धीरज सर, कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉरपोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब न्यूमेरिकल में, जिसकी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो CCS यूनिवर्सिटी में, वो है 11 जुलाई यानी 11th जुलाई 2022 को आपके एग्ज़ाम होंगे, वह भी MCQ बेस्ड। हालांकि गत वर्षों में कई साल से MCQ बेस्ड प्रॉब्लम ही आ रही है और बच्चे उसको अच्छी तरह सॉल्व भी कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जो हमारे चैप्टर होंगे वो हैं आज के लिए इशू ऑफ शेयर्स का हम लेंगे चैप्टर, जिसमें आप देखेंगे इसका MCQ बेस्ड प्रॉब्लम यानी इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम MCQ बेस्ड प्रॉब्लम समझेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर हमारे पास ये किताब हिंदी में है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आपको इंग्लिश में नहीं बताया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एक कंपनी के अंश पूंजी में होते हैं यानी समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, समता और पूर्वाधिकारी अंश दोनों, या आस्थगित अंश यानी द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, डिफर्ड शेयर। यहाँ पर जो कंपनियाँ चलती हैं उन कंपनियों में, जिसे हम शेयर होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें दो प्रकार के शेयर्स का जिक्र होता है। एक तो इक्विटी शेयर होते हैं यानी समता अंश, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम पूर्वाधिकारी अंश भी कहते हैं। तो दो प्रकार के अंश ही इसे होते हैं, इसका मतलब है इसका सही जवाब है सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज इज रिटन इन। अथोराइज कैपिटल क्लॉज को हम कहाँ लिखते हैं, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम में, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी अंतर नियम में, या प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण में, या स्टेटमेंट इन लिव ऑफ प्रोस्पेक्टस, या हम स्थापन प्रविवरण में इसको लिखते हैं। तो सही जवाब है पार्षद सीमा नियम में ही लिखा जाएगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं और उस 6 क्लॉज में एक क्लॉज कैपिटल क्लॉज भी होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसका सही जवाब है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3। 3 में देखेंगे आप तो लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। शेयर एप्लीकेशन किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी इसको हम व्यक्तिगत खाता या अव्यक्तिगत खाता या वास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। तो भाई एप्लीकेशन का पैसा जब भेजा जाता है तो कोई विशेष व्यक्ति जब शेयर लेना होता है तो वो अपने नाम से भेजता है कि मैं XYZ जो भी नाम होगा वह अपने नाम से ही एप्लीकेशन का पैसा स्टार्टिंग में भेजता है, तो वह किसी व्यक्ति के नाम का होता है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वह पर्सनल अकाउंट होता है। अंश आवंटन खाता यानी क्या है, तो इसके बारे में भी ये बोला गया है कि जो अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आखिर यह किस प्रकार का अकाउंट है, तो इसका भी जवाब आप देखेंगे तो इसका जवाब भी पर्सनल अकाउंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि यह भी एप्लीकेशन के जैसा है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट जब होता है तो किसी न किसी व्यक्ति को ही होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड। अब यहाँ पर लिखा गया है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों को निर्गमित किया जा सकता है यानी किस रेट पर किया जा सकता है, क्या डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम दोनों पर, या एट पर एंड एट प्रीमियम पर, या एट पर एंड एट डिस्काउंट दोनों पर, या एट पर एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट पर। वैसे तो ये तीनों पर होता है, लेकिन अगर कोई नई कंपनी स्थापित होती है तो वह सिर्फ एट पर एंड एट प्रीमियम पर ही इशू करती है, तो इसका सही जवाब है बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6।
न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर लिया गया हो उसको क्या कहेंगे। इसका मतलब साफ है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द पोर्सन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, वह पैसा वह पूंजी जो मांगी नहीं गई है लेकिन कंपनी समाप्त होने वाली है तो अब इसको मांगा जाएगा, तो इस पूंजी को कहेंगे क्या। तो इसका नाम ऑथोराइज कैपिटल है या इशूड कैपिटल है या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है या रिजर्व, भाई रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, लास्ट में इसको मांगा जाएगा, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 7, अग्रिम भुगतान याचना खाता पर पृथक से दिखलाया जाता है, तो यहाँ पर डैश लगा है, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर दिखाया जाता है, क्या ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अर्थात यह कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट जो कि सेपरेटली दिखाया जाता है, लेकिन दिखाते कहाँ पे हैं इसको, क्या इसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं या क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं या लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है या एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट में। भाई जो कॉल्स इन एडवांस होता है कोई व्यक्ति समय से पहले पैसा दे देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति अगर टाइम से पहले दिया है तो कंपनी के लिए तो एक प्रकार से आज नहीं तो कल वो पैसा मांगना ही पड़ेगा, लेकिन कंपनी के रूल के मुताबिक, क्योंकि बिना मांगे हुए अगर कोई शेयर होल्डर पैसा दे रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह पैसा तब तक ना खर्च करे जब तक उसके मांगने का टाइम ना आ जाए, तो कंपनी के लिए वह तब तक लायबिलिटी समझा जाता है यानी कंपनी का दायित्व है और वह चिट्ठी के दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ए पीरियड ऑफ डैश मस्ट इलेप्स्ड बिफोर अनदर कॉल इज मेड, क्वेश्चन 8 के मुताबिक इसमें एक तालिका एफ दिया हुआ है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि दूसरी याचना यानी दूसरी मांग करने से पहले कितने दिन की अवधि मतलब समय बीत जाना चाहिए, क्या हाफ मंथ 15 दिन का समय या 1 मंथ या 2 मंथ या 4 मंथ। तो इसका मतलब है कि टेबल एफ ये कहता है कि 1 महीने के बाद ही दूसरी कॉल मांगी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, तालिका एफ के अनुसार याचना की राशि के अंकित मूल्य के किसके यानी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अकॉर्डिंग टू टेबल एफ द अमाउंट ऑफ द कॉल शुड नॉट एक्सीड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कॉल हम करते हैं वह कॉल टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितने रुपए से यानी कितने परसेंट फेस वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है 25%। अगर 100 रुपये का शेयर है तो 25% का मतलब भाई 25 रुपया हो गया, तो 25 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, टेबल एफ के अकॉर्डिंग कहा गया है ये बात। ये बात इसमें टेबल एफ एक कॉमन वर्ड है, इसको आपको बहुत ध्यान से रखना होगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 10, 1 पर्सन कंपनी दैट इन विच, एक व्यक्ति वाली कंपनी आखिर किसको कहेंगे, क्या उसको कहेंगे देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हो उसको, या देयर इज ओनली 1 मेंबर, सिर्फ एक मेंबर हो उसको, या देयर इज ओनली 1 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई हो उसको, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है 1 पर्सन यानी 1 मेंबर। भाई क्वेश्चन का नाम ही है 1 पर्सन, तो एक ही मेंबर होगा, ये तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भाई एक सदस्य की कंपनी बोला जा रहा है यानी एक मेंबर की कंपनी, तो उसको हम ओनली वन मेंबर ही होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ए कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्या नहीं इशू कर सकती, इक्विटी शेयर या इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट या रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो भाई कंपनी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती यानी ऐसा शेयर नहीं इशू कर सकती प्रेफरेंस वाले जिसका भुगतान कंपनी में फ्यूचर में कभी वापस ना किया जाए, तो इसका मतलब है इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इसका सही जवाब है और वह है बी।
क्वेश्चन नंबर 12 में है, ये कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी इशू नहीं कर सकती क्या? रेडीमेबल इक्विटी शेयर, या रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या रेडीमेबल डिबेंचर, या फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इसका जो सही जवाब है रेडीमेबल इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर कभी रिडीम होता ही नहीं। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी समाप्त हो जाएगी तभी इक्विटी शेयर होल्डरों को जो बचा खुचा है वो मिलेगा, लेकिन बीच में कभी भी इक्विटी शेयरों का पैसा कंपनी के द्वारा चुकाया नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाई, जो कंपनी के जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है शेयर के इशू करने पर वह निर्धारित किया जाता है, यानी उसको डिसाइड किया जाता है, उसको डिसाइड करता कौन है? क्या कंपनी लॉ बोर्ड करता है, या गवर्नमेंट करती है, या इशूइंग कंपनी करती है, या सेबी? तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लगाने का अधिकार भी शेयर इशू करने वाली कंपनी को ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इन केस ऑफ द होल आर ए पार्ट ऑफ द शेयर्स इशूड आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, हु विल सब्सक्राइब सच अनसब्सक्राइब सिक्योरिटीज फॉर ए फिक्स्ड कमीशन। क्वेश्चन का ये भाग कहता है कि जनता द्वारा निर्गमित अंशों का एक भाग या सभी के लिए अभिदान न किए जाने की दशा में कौन एक निश्चित कमीशन के लिए ऐसी अभिदान न हुई प्रतिभूतियों का अभिदान करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि जनता जब शेयर को नहीं खरीदती है, या जो शेयर का हिस्सा होता है, मान लो किसी कंपनी ने 1,00,000 शेयर बेचा है और वह किसी अभिगोपक यानी अंडरराइटर के थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू बिकवाया गया है, तो कमीशन एजेंट या अंडरराइटर वही व्यक्ति होता है जो कंपनी के शेयर्स को बिकवाने का कार्य करते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कंपनी के शेयर संपूर्ण रूप से नहीं बिकेंगे तो उनके शेयर्स को वो खुद खरीदेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिगोपक यानी अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वही व्यक्ति होता है जो कंपनी के शेयर न बिकने पर खुद स्वयं खरीद लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ए पब्लिक कंपनी कैन इशू, एक जो पब्लिक कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है, वो निर्गमित कर सकती है, क्या निर्गमित कर सकती है? इसमें जवाब है ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड डिफर्ड शेयर, या इक्विटी एंड प्रेफर्ड शेयर, या ऑर्डिनरी एंड प्रमोटर शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड बियरर डिबेंचर। तो पब्लिक कंपनी जो इशू करती है वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, यही दोनों इशू करती है। कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है उसको ऑप्शन होता है कि इक्विटी प्रेफरेंस ही इशू करे, दोनों इशू कर सकती है, दोनों में से इक्विटी इशू कर सकती है। हाँ, प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस अकेले नहीं, इक्विटी के साथ प्रेफरेंस सही है, संभव है, लेकिन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर हो ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 16, शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन सो बी सोल्ड थ्रू, क्वेश्चन के मुताबिक देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि कोई निजी कंपनी है वो अपने अंशों को बेचा जा सकता है, निजी कंपनी के अंशों को बेचा, भाई निजी कंपनी के अंशों का तो बेचना कहा ही नहीं गया है कि वो बेचा जा सकता है, फिर भी उसमें लिखा जा सकता है कि आखिर यह किस तरीके से बेचा जा सकता है। तो इसमें लिखा है प्राइवेट सर्कुलेशन, यानी निजी प्रसार से भेज सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में उसके मेंबर लोग अपना शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये निजी कंपनी के लिए एक प्रकार से जो है रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम है, प्राइवेट सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज दोनों का नाम है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्राइवेट सर्कुलेशन, निजी माध्यम से यानी अपने हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए निजी प्रसार दिया हुआ है। प्राइवेट सर्कुलेशन निजी जो प्रसार माध्यम है, प्राइवेट सर्कुलेशन, इसमें निजी जिम्मेदारी लोगों की होती है और निजी तरीके से वह दूसरे को अपने हिस्से को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनियों के अपने हिस्सेदारी को, अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी है।
जब प्रवर्तकों को, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन है 17, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश निर्गमित किए जाते हैं तो डेबिट होने वाला खाता क्या है, यानी व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड। तो मतलब इसके लिए कंपनी किस प्रकार के अकाउंट को डेबिट करती है, यानी अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी का शेयर बिकवाते हैं और कमीशन में वो शेयर ही लेते हैं, उनको पैसा तो दिया नहीं जाता है। अगर वो शेयर लेते हैं तो वो जो पैसा खर्च होता है कंपनी का, कंपनी उसको अपने पास जो लेखा जोखा करती है किस नाम से करती है, तो इसका जवाब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है या प्रमोटर्स अकाउंट है या शेयर कैपिटल है या गुडविल है। तो इसका सही जवाब है गुडविल, क्योंकि बाद में इस गुडविल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर देंगे और इसी नाम से ही इसकी एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स इज इट्स। कंपनी को कहा गया है कि वह रकम बताइए जिससे अधिक एक कंपनी अंशों के निर्गम द्वारा कोष नहीं जुटा सकती, आखिर वह है कितना रकम, यानी वह कौन सी रकम है। तो इसमें कहा है इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। भाई अथोराइज उस अधिकृत या अधिक पूंजी को कहते हैं जिसके लिए कंपनी की स्थापना हुई है। कंपनी अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा पैसा जनता से नहीं ले सकती है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है अथोराइज कैपिटल, यानी अधिकृत पूंजी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स कैन बी अलाउड। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कंपनी के समता अंशों को एक निश्चित संख्या के लिए कंपनी ने आमंत्रण किया, यानी बेचने के लिए प्रस्ताव रखा जनता के सामने, तो जनता के पास से जब एप्लीकेशन आया तो मान लीजिए जनता के पास 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन, कहा गया भाई आप लोग 10,000 शेयर खरीदिए, लेकिन जनता ने 12,000 शेयर या 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दिया, यानी सब ने कहा कि भाई हमें ज़्यादा शेयर चाहिए, तो इसमें क्या सही है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन कंपनी अपना सकती है। क्या कंपनी फालतू पैसा एक्सेस एप्लीकेशन पैसे को, यानी 2,000 या 4,000 जो फालतू आए उसको वापस करेगी, या मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेशंस एंड नो रिफंड इन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या कंपनी उसको प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी, एप्लीकेशन के ज़रूरत वाले पैसे रख लेगी, बाकी पैसे वापस नहीं करेगी, उस एप्लीकेशन फालतू वाले को अगली कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉट टू अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेंट्स को, कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं उनको शेयर नहीं दिया जाएगा। फुल अलॉटमेंट टू सम ऑफ द एप्लीकेशंस एंड प्रोराटा अलॉटमेंट टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कुछ को कुछ शेयर दिए जाएंगे और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। प्रोराटा का मतलब होता है अपनी ज़रूरत के शेयर रख लेना, उनके पैसे रख लेना, और फालतू जो शेयर के पैसे हैं उनको अगली कॉल के लिए यानी अलॉटमेंट के लिए रोक लेना। या फोर्थ पॉइंट है नॉट टू अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट, किसी शेयर होल्डर को एक भी एप्लीकेशन यानी कुछ भी नहीं देना, कोई शेयर अलॉट नहीं करना, एंड मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू अदर एप्लीकेंट, और जो दूसरे एप्लीकेंट है आवेदक हैं उनको शेयर प्रोराटा बेस अलॉट कर देना। तो इसका मतलब है कंपनी के पास तो ये चारों ऑप्शन होते हैं, तो कंपनी इनमें से सारे ऑप्शन अपना सकती है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, कंपनी इनमें से किसी भी तरीके से अपने शेयर के पैसे जो प्राप्त किए हैं उसका इस्तेमाल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट ए डिस्काउंट द अकाउंटिंग एंट्री विल बी। अगर कोई शेयर जो कि पहले डिस्काउंट पर इशू किया गया था अब हम उसको फॉरफीट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी एंट्री सही है,
डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड, यानी जिस शेयर को हमने जब्त किया है उसके द्वारा, यानी उस पर जो पैसा कॉल्ड अप है, मांगा गया है, उस कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाए। ये तो होता ही है, ये बिल्कुल सही है, कॉल्ड अप वैल्यू ही डेबिट होती है। दूसरा है क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जिस शेयर को जब्त कर रहे हैं उस पर जो रकम प्राप्त हुई है उसको हम शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट करें, ये भी सही है, शेयर फॉरफिटेड तो क्रेडिट ही होता है। तीसरा है क्रेडिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर का जो डिस्काउंट का पैसा है उसको क्रेडिट किया जाए, ये भी सही बात है, डिस्काउंट अलाउड होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो उसे डेबिट करते हैं फॉरफिटेड के टाइम पर, ये भी ठीक है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट कॉल्स इन एरियर विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर, इनका कहना है कि कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट किया जाएगा उस रकम का जो पैसा नहीं मिलेगा उन शेयरों के जिसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका सारे सवाल का जो मतलब सारा जवाब है 20 का बिल्कुल राइट है, तो इसका मतलब है इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 अगली वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप लोग सोचेंगे कि यार सर ने इतनी लंबी वीडियो बना दी है, बोर होएंगे और खिसका खिसका के देखेंगे उसको भगाएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस करें, और अगर मिस करेंगे तो आपके नंबर भी मिस हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए हम इसको इस टॉपिक को चलाएंगे लेकिन इसकी वीडियो को 20 तक ही सीमित करेंगे। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर ही रोकेंगे, अगर इससे ज़्यादा अगर हम लंबी बनाएंगे वीडियो तो आप लोग भी बोर महसूस करेंगे और आप लोगों को लगेगा सर तो यार बोर कर रहे हैं, चलो कुछ और देखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको आराम आराम से वीडियो देखने को मिले और आपकी समझ में भी आना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।